नमस्कार, आप देख रहे हैं वीवाइस 24 न्यूज। मैं अब्दुल कुद्दूस आपके साथ। मैं अभी हूँ मधुबनी जिला अंतर्गत पंडोल प्रखंड के सकरी पश्चिमी पंचायत में। वीवाइस 24 न्यूज के माध्यम से लगातार आप लोग को पंचायत चुनाव यात्रा का खास शो दिखाया जा रहा है। तो अभी हमारे साथ एक युवा बातचीत करने के लिए बैठे हैं, जिनका नाम है सादिक अनवर उस्मानी, जो कि मुखिया कैंडिडेट है सकरी पश्चिमी पंचायत से। चलिए मैं उनसे बात करता हूँ और जानने का कोशिश करता हूँ कि इनके पंचायत में अभी तक कितना विकास हुआ है और यह इस बार जो पंचायत चुनाव में कदम रखा है मुखिया कैंडिडेट के तौर पे, इनका विचारधारा क्या है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल वीवाइस 24 न्यूज़ पे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुखिया ही पद से क्यों लड़ रहे हैं, जबकि बहुत सा पद होता है पंचायत चुनाव में? देखिए, मैं यहाँ पे पिछले कई सालों से बिना किसी पद के सोशल एक्टिविस्ट हूँ और यहाँ पे हम सामाजिक मुद्दों के लिए और समाज के हित के लिए काम कर रहे हैं। जैसे कि हमने बरसों से देखा है कि यहाँ पर कभी भी एजुकेशन को मतलब तरजीह नहीं दी गई है और उसके लिए कोई काम नहीं किया गया, चाहे वो हमारे पिछले जितने भी जनप्रतिनिधि रहे हों, एक शब्द कभी एजुकेशन और हेल्थ पे उन लोगों ने बात नहीं की। और हमने हमेशा ये आवाज़ उठाई है हम लोगों ने मिलके, हमारे युवा साथियों ने मिलके, कि जैसे कि हमारे सकरी में आज से एक डेढ़ साल पहले आपको हाई स्कूल भी नहीं हुआ करता था। जैसे सकरी एक जंक्शन है और जाना माना एक इलाका है। मधुबनी जिला का सकरी एक ऐसा जगह है जो पूरे इस इलाके में, पूरे मिथिलांचल में जाना जाता है, और वहाँ पे इतनी घनी आबादी में उसके बावजूद भी यहाँ पे हाई स्कूल नहीं था अभी तक। तो हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे थे और हम लोग उसमें सफल भी हुए हैं। और हमारे गांव में जो है हेल्थ की भी बहुत बुरी हालत है, तो यहाँ पे सरकारी अस्पताल बंद पड़ा था, वो भी अब बहुत जल्द शुरू होने वाला है। अगर मैं कामयाब होता हूँ तो मेरी पहली कोशिश यही रहेगी कि जो डेवलपमेंट के लिए काम हो रहा है, जो भी फंड आते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाए और सही तरीके से वहाँ के हर मोहल्ले जो वार्ड मेंबर हैं उन लोगों से आम राय लेके फिर वहाँ पे डेवलपमेंट का काम किया जाए। अगर मैं आता हूँ, अगर मुखिया सकरी पश्चिमी का चुना जाता हूँ, तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं बिना पद के इतने सालों से काम कर रहा हूँ आवाम के लिए, जो आवाम जानती भी है यहाँ की। ये और बात है कि कुछ ऐसे मजबूत लोग हैं जिनके सामने आम जनता बोल नहीं पाती और बोलना नहीं चाहती, किसी मसले में फंसना नहीं चाहती, लेकिन हम लोगों की हमेशा कोशिश रहती है कि आम जनता के लिए काम किया जाए, गरीब गुरबा को आगे लाया जाए। यहाँ पे होते हुए आया है कि मजबूत को हमेशा मजबूत किया गया है और कमज़ोर को हमेशा कमज़ोर रखा गया है। कमज़ोर को कमज़ोर इसलिए रखा गया है कि उसको मजबूत अगर कर देंगे तो वो सवाल करने लगेगा। उसका मेन पॉइंट यही है कि उसको एजुकेशन नहीं दी गई है। आप जनप्रतिनिधि जो है ना, पैसा या ताकत देख के ना चुने, आप एक अच्छे इंसान को चुने, क्योंकि जब बेहतर प्रतिनिधि आएगा तो बेहतर समाज बनेगा। आपके पंचायत में मुख्य समस्या क्या है? मेरे पंचायत में मुख्य समस्या जो है, जैसे कि सबसे मेन जो है हेल्थ और एजुकेशन, जिस पर कभी कोई काम किसी प्रतिनिधि ने नहीं किया, उस काम को हम करना चाहते हैं। जैसे कोई गरीब का बच्चा हो, बहुत तेज तर्राक है और वो फाइनेंशियली नहीं पढ़ पाता है पैसे की वजह से, और वो काम करने चले जाता है, हम ऐसे लोगों को जागरूक करेंगे, मोटिवेट करेंगे और उन लोगों को पढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि वो किसी तरीके से भी, किसी जरिए से उसको हायर एजुकेशन दिलाया जा सके। हम इस पर काम करेंगे। और हेल्थ के लिए जैसे अस्पताल जो है उस पर हेल्थ बेहतर से बेहतर यहाँ पर इलाज हो, तो इसके लिए हम काम करना चाहते हैं। और डेवलपमेंटिंग में जो भी काम रह गया है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं वो करने की ज़रूरत है, तो उस सब सारे कामों को हम करेंगे। आपका कब मन बना कि मैं मुखिया इलेक्शन लड़ूं? मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था, क्योंकि मैं जब बहुत शुरू से भी जब मैं सोशल काम कर रहा था, तो मैं देख रहा था कि मुझे सोशल में ही रहना था, मुझे पॉलिटिकल नहीं होना था। लेकिन मैंने देखा कि जब तक मेरे को, मुझे कई लोगों ने ऐसा कहा कि किसी भी चीज़ को आप, हमें कहता था पॉलिटिक्स गंदी है, गंदी होती है, इसलिए मुझे इसमें नहीं जाना है। लेकिन मुझे कई जो हमारे सुचिंतक थे और जो बहुत सारे मतलब वेल एजुकेटेड लोग हैं, कई रिटायर्ड भी हैं जॉब से, ऐसे ऐसे लोगों से जब हमारी मुलाकात हुई, तो उन लोगों ने कहा कि निज़ाम बदलने के लिए अच्छा जनप्रतिनिधि होना है, ज़रूरी है कहीं के लिए भी, और आप उस पर खड़े उतरेंगे क्योंकि आप बिना पद के काम कर रहे हैं। तो लगभग एक साल करीब हुआ है कि जो मैंने इस चीज़ के लिए घोषणा कर दिया था कि मैं मुखिया का उम्मीदवार हूँ सकरी पश्चिमी से। आप बता रहे हैं कि हम सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो आप बताएंगे दो तीन काम, ऐसे कामों का नाम जो आप किए हो आप अपने पंचायत में? देखिए, हमने जो आवाम के लिए किया है, वो सबसे पहला काम जो किया है, वो हमने सकरी के इतिहास में पहला आंदोलन किया है एजुकेशन के ऊपर, कि हमारे गाँव में हाई स्कूल होना चाहिए, जो इतने सालों से नहीं था। उसके लिए हमने 2018 में प्रोटेस्ट किया। ये सबसे पहला काम, ये इतिहास है कि किसी ने कभी इस चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठाया सकरी के अंदर में, न जनप्रतिनिधि ने या कोई सोशल एक्टिविस्ट ने, ये हम लोगों ने पहली बार आवाज़ उठाया है। दूसरा ये हुआ कि हम लोगों ने एजुकेशन के लिए कैंप लगा के लोगों को जागरूक किया। पैसों से भी हमने मदद की है, जो
बहुत ही गरीब गुरबा हैं जो बिलाचार हैं, और उनके इलाज के लिए जो है हम लोगों ने जो है वो फंड से जो है कुछ लोगों से मिल के हम लोगों ने पैसे से भी मदद की है कई लोगों का। ये हम आम नहीं कर सकते हैं और इन चीज़ों को हम सोशल मीडिया पे डालते नहीं हैं, बाकी जो लोग जानते हैं उसको पता है। और ये सिर्फ एक मोहल्ले की बात नहीं है, हमने कई मोहल्ले के लोगों के लिए काम किया है। जैसे एक हमारे ही गांव की एक महिला थी, उनका जो है हैंड फ्रैक्चर हो गया था, काफ़ी एजेड थी, तो हम लोगों ने जो है DMCH में जाके हम लोग खुद से वहाँ रह के उनका सर्जरी करवाया है। तो ये सब सोशल में ही आता है। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं, काम तो मुझे जहाँ तक पता है कि इतना काम तो किसी प्रतिनिधि ने भी नहीं किया। आप कितने परसेंट उम्मीद किया जाए कि आप सकरी पश्चिमी पंचायत से जीत रहे हैं? मैंने अपना जो अभी तक जो सपोर्ट देख रहा हूँ इंटरनली, जो मुझे ये नहीं बोलना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि मतलब अपना व्यू देते नहीं हैं प्रॉपर, लेकिन मैं फैक्ट बोलता हूँ, ये मेरे बारे में लोग जानते भी हैं कि मैं कोई गलत बयानी नहीं करता हूँ, जो भी बोलता हूँ सत्य बोलता हूँ। मुझे जहाँ तक है कि मुझे बाहर के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं वो लोग, उन लोगों के जो रिलेटिव हैं वो लोग भी अपने लोगों को, रिश्तेदारों को कन्वेंस कर रहे हैं कि ऐसे प्रतिनिधि को लाइए जो आपके समाज में काम कर सकता है। तो हमारी जहाँ तक मेरी बात है तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि इस बार जो है युवा ही आएगा, क्योंकि बहुत बार हो गया कि आप एक ही इंसान को, दो ही इंसान को बार बार मौका देते रहे, और ऐसे ऐसे लोग चुनाव लड़ने आ रहे हैं जो 5 साल तक नज़र भी नहीं आए। आप पूछ सकते हैं आवाम से, पता कर सकते हैं इस बार के बारे में, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। जो 5 साल जो आज कैंडिडेट हैं, जो पिछले 200 साल में कभी आवाम के लिए एक कभी किसी से हाय हेलो भी नहीं किया होगा, दुआ सलाम भी नहीं किया होगा, ऐसे लोग कैंडिडेट बने हैं अभी पिछले 6-7 महीने में आके, और कुछ अपना जो है वही रिश्वतखोरी, रिश्वत ही कहेंगे उसको, कि किसी को शॉल बांट देना, किसी को कम्बल बांट देना, तिरपाल बांट देना। ज़रूरत की चीज़ें हैं तो आप बिना मुफाद के बांटें, अगर किसी को ज़रूरत है वाकई तो आप चुपचाप बांट दें। आप कैंडिडेट बनने के लिए आप एक तरह से रिश्वत शो कर रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। और इतने बेवकूफ़ नहीं है आज की जनता, क्योंकि आज 5 सालों में हम, मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है, युवा एकदम जागे हुए हैं और वो लोग जागरूक कर रहे हैं घर घर जाके कि बिकना नहीं है, सही जनप्रतिनिधि चुनना है। मेरा ये कहना है, अगर आपको लगता है कि हमने वाकई में बिना जनप्रतिनिधि रहते हुए हमने आवाम के लिए काम किया है, तो हमें एक मौका मिलना चाहिए। बहुत लोगों को आपने आजमाया है, एक बार सादिक अनवर उस्मानी को भी सकरी पश्चिमी से मुखिया चुन के देखिए, इंशाल्लाह बेहतर करके दिखाएंगे, जो अब तक नहीं हुआ वो करके दिखाएंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे सकरी पश्चिमी के जनता को? जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि आप रिश्तेदारी के चक्कर में ना आए, पैसे वालों के चक्कर में ना आए, बिके ना, और ताकतवरों से डरे ना। आप अपने वोट का इस्तेमाल करें, आपकी वोट, आपका एक एक वोट कीमती है, आप सही जनप्रतिनिधि को चुनें। जब सही जनप्रतिनिधि को चुनेंगे तो बेहतर समाज बनेगा, यही मेरा संदेश है। और सिर्फ सकरी के लिए नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि पूरे बिहारवासियों के लिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी आप वोट करते हो, चाहे वो किसी भी इसमें करते हो, चाहे पंचायत चुनाव में करते हो, चाहे आप विधानसभा में करते हो, चाहे लोकसभा में करते हो, आप जिसमें भी वोट करते हो, आप प्रतिनिधि देख के चुने कि प्रतिनिधि बढ़िया होना चाहिए। आपका कोई मुख्यमंत्री नहीं आएगा आपका काम करने के लिए, जो आपके क्षेत्र का प्रतिनिधि होगा वही काम कराएगा। तो बेहतर प्रतिनिधि चुनिए ताकि बेहतर काम विकास हो सके। जी, अभी हमारे साथ बात कर रहे थे सादिक अनवर उस्मानी, जो सकरी पश्चिमी पंचायत से मुखिया पद के लिए लड़ रहे हैं। आप देख रहे थे पंचायत चुनाव यात्रा का खास शो। धन्यवाद।